नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 51 वर्ष इनकी उम्र है। इनके सवाल थे कि ये दिन पे दिन अपने काम में नुकसान इनको हो रहा है और लोन में ये आ चुके हैं, तो लोन इनका कब खत्म हो जाएगा, जीवन में समस्या आ रही तो किस प्रकार आ रही है, उसका निवारण क्या है, और भी बहुत कुछ मुझे आपके हाथ में जो दिएगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी भाग्य रेखा देखें तो आपकी ये भाग्य रेखा, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा जा रही है। अगर देखें तो हाथ के मुकाबले हाथ में भाग्य रेखा काफ़ी छोटी है, इस भाग्य रेखा को कम से कम यहाँ से शुरू होना चाहिए था, लेकिन छोटी भाग्य रेखा है। जैसे आपने बताया कि 51 वर्ष में आपको दिक्कत आ रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 48 के आसपास, मुझे 51 तो नहीं लेकिन हाँ 48-49 के आसपास हल्का सा कट दिख रहा है। इसके बाद भाग्य रेखा कमज़ोर हो गई है, लेकिन धीरे धीरे भाग्य रेखा और मजबूत होती हुई जा रही है। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है और आपको इसके अच्छे लाभ ही देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका, आपकी जो समस्याएं हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, उसमें आपको दिक्कत जो परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में बहुत कम आने वाली रहेंगी। तो इस तरह के योग में आपके हाथ में आपकी रेखाओं में साफ साफ देख पा रहा हूँ। अगर शनि के क्षेत्र पर आएंगे तो शनि पर यहाँ पर आपके हाथ में त्रिशूल का निशान बन रहा है। देखिए, सैटर्न पर बिल्कुल त्रिशूल बन चुका है, ऊपर भी दो भागों में टूटी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी त्रिशूल टाइप मुझे एक रेखा दिख रही है। देखिए, सैटर्न पर जब ये साइन होते हैं तो इसका मतलब क्या देखा जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है। देखिए, त्रिशूल साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में आपके भाग्य, आपके धन और आपके करियर के कारक हैं भगवान हर हर महादेव। जितना आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे उतना आपका भाग्योदय आपकी रेखाओं में देखने को मिलेगा। अगर आपको आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, लोन बढ़ रहे हैं, कर्जा हो रहा है, यानी करियर और धन में समस्या आ रही है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ रेमेडी किए केवल महादेव की भक्ति शुरू कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है, कहा जाता है, आपने भी सुना होगा। अगर आप अपने जीवन में मूक पशु की सेवा करते हैं, जिसमें कि कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, जितने भी मूक पशु होते हैं वो आते हैं सब, और सबसे महत्वपूर्ण महादेव के वाहन नंदी महाराज होते हैं, तो अगर आपके द्वारा नंदी सेवा होती है या फिर गौ सेवा, गौ माता की सेवा होती है, कुल मिला के जानवर की सेवा अगर आपके द्वारा होती है या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, महादेव की भक्ति अगर आप करते हैं, तो आप पाएंगे कि एक का एक कुछ समय पश्चात ही आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो धीरे धीरे, देखिए एक साथ तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपने 3-4 महीने उपाय किए लगातार और आपको फ़ायदा मिल गया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 से 2.5 वर्ष के अंदर अगर आप ये उपाय डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये कोई जादू नहीं होगा कि एक साथ लाभ मिलेगा, तो आपको कम से कम 2 से 2.5 वर्ष अपने आपको देने रहेंगे उपाय करते करते, तभी आप पाएंगे कि आपके जीवन, आपकी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे हो रहा है। तो ये आपके हाथ की मुझे भाग्य एवं धन की रेखा इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा वैसे आपकी भाग्य रेखा मजबूत भी हो रही है, तो आने वाले समय के साथ साथ आपके जीवन में आपके कर्जे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। बाकी देखिए, कर्जे कहाँ आते हैं, कर्जे अगर वास्तुशास्त्र में, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, न्यूरोलॉजी में देखा जाए, तो कर्ज का कारक होते हैं शनिदेव। तो आपको शनिदेव की रेमेडीज दी जाएंगी जिससे आप अपने जीवन में कर्ज को खोने में थोड़े सा बहुत सक्षम हो पाएँ। तो इस चीज़ के आपको पूरे पूरे तरीके से उपाय दिए जाएंगे, वो उपाय करके आपको जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपके हाथ मुझे बिल्कुल ठीक अवस्था में दिख रही है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हल्की सी गड़बड़ाई है तो यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज देखिए, इसमें हृदय रेखा में क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य की समस्या किसी रूप में कैसे भी आ सकती है। ये आपके जीवन में लगभग मान सकते हैं जैसे 51 वर्ष के हैं तो यही समय चल रहा है, 55 तक आपको हेल्थ इश्यूज आने के संकेत दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, देखिए जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो आप जैसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुबह सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज किया करें, हो सके तो जिम स्टार्ट कर दीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, बाहर का ऑयली फूड तदाबुना अगर आप खाते हैं तो उसमें दिक्कत आपको रह सकती है। अगर आप ये चीज़ पहले से करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी हृदय रेखा शनि पर आकर रुक गई है, ये इस बात की ओर संकेत कर दी है कि जैसी आपकी हृदय रेखा है आप थोड़े स्वार्थी व्यक्ति हो सकते हैं या फिर होंगे ही। ये कॉम्बिनेशन इस बात की ओर भी संकेत करता है आप अपने जीवन में बहुत करियर ओरिएंटेड है, यानी आप अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी दे, फैमिली का दूसरा टॉप प्रायोरिटी करियर ही रहता है, ऐसे कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, अपना प्रॉफिट सबसे पहले देखना, ये चीज़ देखी जाती है। ऐसे कि पैसे को स्वार्थ दिखा देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वृद्धावस्था में सकती पैसे कमाते देखेंगे, यानी
जिस उम्र में आपको ये लगना चाहिए कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब बाकी का समय अपने परिवार के साथ गुजारना चाहिए, उस एज में भी आप अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए आतुर रहेंगे और करियर को टॉप प्रायोरिटी आप देंगे। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में ये रेखा दिखा रही है। बाकी अगर देखेंगे ओवरऑल आप थोड़े स्वार्थी किस्म के नेचर आपका रहेगा। अगर आप दान दक्षिणा शुरू कर दें, लोगों का भला करना शुरू कर दें, अपने द्वारा पैसे से लोगों के काम आना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। उसमें परेशानियाँ जितनी भी हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना आपको परम आनंद की अनुभूति होने वाली रहेगी। अगर हम देखें ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा में गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ मुझे साफ साफ दिख रही है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर देखें ये एज आई होगी आपके जीवन में लगभग आप मान सकते हैं 43 के आसपास। 43 तक भाग्य रेखा ये 43 तक आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली, इसके बाद आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार मुड़ गई है। इसमें अचानक एक बड़ा चेंज आया है, इस प्रकार जाके इस प्रकार मुड़ी है। यहाँ से देखेंगे तो इसमें बदलाव आया है। जब मस्तिष्क की रेखा में बदलाव आने लग जाए तो इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि उस एज के बाद आप धार्मिक बने होंगे, आपके अंदर धर्म भावना जागी होगी, और जैसे जैसे की उम्र बढ़ रही है आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर देखी जाएगी। तो इस तरीके के भी योग आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि को दिखाती है, आपके विवेक आपके ज्ञान को दिखाती है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि अपना विवेक अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। आपके अंदर बातों को सोचने समझने और सीखने की क्षमता बहुत अच्छी बहुत मजबूत है। आपका लॉजिक सेंस भी अच्छा है, आपसे चालाकी करना थोड़ा मुश्किल है। आप अपने जीवन में समाज के एक इज्जतदार और एक समझदार व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान ये रेखा की वजह से होने वाली रहेगी। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखें तो देखें ये आपकी जीवन रेखा, यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकली। इससे पहले यहाँ पर ये देखिए क्रॉस, ये इस बात की ओर दिखाती है कि बचपन के अंदर आपको जिनमें समस्या आई है, बचपन के अंदर आपको जिनमें परेशानियों का सामना आपको करना रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे परिवार में कोई समस्या आई हो, चाहे आपके जीवन में फाइनेंशियल इशूज बचपन में आपने देखे हों। बचपन पूरी तरह से मैं आपका सफल नहीं कहूँगा, इसके बाद अगर आगे पढ़ें तो ये आपकी जीवन रेखा बहुत मजबूत चली है। और ये देखिए ये सीधी चली है, इसमें ये मुड़ी नहीं है। इस प्रकार से जब जीवन रेखा सीधी चले तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जन्मस्थान से दूर जाता है। जन्मस्थान से दूर जाने के संकेत ये दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं आप शायद अपने जन्मस्थान से पहले से दूर हैं, और अगर नहीं है तो संकेत बनेंगे कि आप जन्मस्थान से दूर जाएं। इसके अलावा बुढ़ापा जन्मस्थान से दूर व्यतीत होने के संकेत हैं। बाकी फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है और अपने देश में जगह जगह घूमना भी हो सकता है। इसके भी आपको लाभ ही देखने को मिलेंगे। अच्छा कार्य आप इस उम्र में करने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 60 वर्ष के बाद में दो ऑफशूट हैं। ये क्या शो करते हैं? दो ऑफशूट जब होते हैं तो प्रॉपर्टी आती है या फिर कोई खुशखबरी मिलती है या फिर कोई रुका हुआ जो काफ़ी सालों से नहीं बना वो बन जाता है या फिर वंश की वृद्धि होती है। व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर पोते पोते को सुख मिलता है। तो ये चीज़ें भी आपके में रहेंगी, या तो प्रॉपर्टी आएगी खुशखबरी मिलेगी रुका काम बन जाएगा या फिर वंश की वृद्धि हो जाएगी। ओवरऑल इस पर प्रॉपर्टी आने के संकेत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ये दो भागों में टूटी है तो संतान द्वारा सेवा होने के संकेत दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी खासी होगी, यात्राएं भरपूर हैं आपके जीवन में। यात्राओं से आपको अपने जीवन में बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। जितनी आप यात्रा करेंगे उतना आपका भाग्य होगा। आपके हाथ की रेखा मुझे साफ साफ दिख रहा है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो अंगूठा आपका सही है। यहाँ पर आपके साथ धनुषा का रेखा बन रही है। रेखा समझदारी की इशारा करती है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना पसंद करता है। सूर्य पर अगर देखेंगे तो सूर्य पर एक छोटी सी दो भागों में टूट गई है। देखिए ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में करियर रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रहती है। व्यक्ति को नहीं पता होता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ मेरा करियर बनाया जाए। ये आपको बचपन में या फिर टीन एज में आपको इस चीज़ की समस्या आई होगी, लेकिन ओवरऑल आपका अब ठीक मुझे दिख रहा है हाथ की रेखाओं के हिसाब से। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा दो भाग में टूटी है। देखिए जब मस्तिष्क रेखा दो भाग में टूटने लगे इसका मतलब ये आपको मल्टीपल थिंकिंग रेखा देगी। आप मल्टीपल डिजायर्स वाले व्यक्ति होंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य करना आपको पसंद रहेगा। मल्टीपल इंटरेस्ट होना, एक चीज़ें हर कोई किसी काम को एक समय पर एक से ज़्यादा करने की क्षमता रखना, इस तरीके का आपके बुढ़ापे में आएंगे। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा जीवन से जुड़े एक्सपीरियंस लेके आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि को और तेज और अच्छा और मजबूत करने वाले रहेंगे। दिमाग इस तरह आपका बहुत मजबूत आपके हाथ की रेखाओं में मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया है। एक एक रेखा मैंने आपके हाथ की देख ली है, जाँच ली है, परख दी है। आपके हाथ में सब कुछ सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने बताया कि नुकसान हो रहे हैं, धीरे धीरे नुकसान होने कम स्टार्ट हो जाएंगे। आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा महादेव से कनेक्टेड है तो महादेव की भक्ति करके आपको लाभ रहेगा। मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी अगर
फिजिक अपनी फिटनेस पर काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल जो समस्या मुझे दिख रही है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन की नहीं है, मादक की व्यक्ति करते ही कुछ सालों के अंदर ही आपके इनमें समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो रेमेडी डेली करते रहिएगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट को क्वेरी रहता है आपसे पूछ लीजिएगा, आपके साइड और सारी को सॉल्व कर देंगे। हम आपको अटेंड सर्टिफाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे लिए से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। और उपाय करें ध्यान से लीजिए कि आप हमें महादेव की भक्ति कैसे किस प्रकार की जाए उसके उपाय दे दीजिए, रेमेडीज जो होती हैं वो दे दीजिए, आपको सारे पर डिटेल में दे देंगे। तो अपना रिव्यू, अपनी क्वेरी, अपने डाउट सब कुछ हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सअप पर ही। उपाय आपको डेली शेडली हमेशा के लिए करने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सहूलियत मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।